रे सालो परब सिमरन सिंह मेरे टीम के विरुद्ध 103 रन क्यों मारा रे, जिसके कारण मेरा टीम बुरी तरीके से हार गया। अब मेरा पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया है ससुर। तुम क्यों इतना बेहमी से पीटा बताओ, नहीं तो आज तुमको इस कुदाल से जान मार ही देंगे। इसका कोई चांस नहीं है, अब कोई बचाने वाला भी नहीं है। शिखर धवन भी आएगा तो उसको भी कुछ नहीं बोलेंगे, और तुमको इतना मार मारेंगे तुम्हें आपा याद आ जाएगा। ओए वार्नर भैया, ये मेरे सामने से फावड़ा थोड़ा हटा तो दो, हम बच जाएंगे। हम आपके टीम के विरुद्ध इसलिए मारे क्योंकि आप हमको टीम इंडिया में जगह पाना था भैया, इसलिए मारे। और इसमें सिर्फ मेरी ही गलती नहीं है, हम तो बहुत कम में रन पीटे थे, और आपका बैट्समैन ही नहीं मार पाया तो हम क्या कर सकते हैं। हम 103 रन मारे और टीम इंडिया में जगह पाने की कोशिश किए, इसलिए पीटे। हमको छोड़ दो भैया, अगले ओवर से कोई गलती नहीं करूँगा। ये फावड़ा थोड़ा हटा दो भैया प्लीज। ना ना ना, इतना मस्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको आज जान से ही मारना ही पड़ेगा साहब। तुम बच्चा होकर मेरे टीम के विरुद्ध इतने बरहमी से मारे होगे, हम सोच भी नहीं किए थे, इसलिए तुमको मारना बहुत ज़रूरी हो गया है। बे सिमरन सिंह, तुम आज नहीं बच सकते मेरे हाथों से, समझ।